गुड मॉर्निंग चर्च छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.3.4 के सवाल समझाए जा रहे हैं। सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटे दो हो जाती है, तो वह एक बटे दो हो जाती है। यह भिन्न क्या है? यह भिन्न क्या है? हर करेंगे प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटे दो हो जाती है, भिन्न क्या होगी? माना कि भिन्न में अंश बराबर यक्ष तथा हर बराबर वाई है, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश है यक्ष और हर है वाई। प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्न में क्या करें, अंश में दो तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक दो दिया और हर में एक घटा दिया तो भिन्न एक हो जाती है। यदि एक ही घर दे जिसको बटे एक बटे दे सकते हैं, इसका तिरक गुणा करेंगे, करने पर यक्ष प्लस एक बराबर एक का गुणा वाई माइनस एक के साथ, एक का गुणा एक्स के साथ में किया एक्स, एक करने एक बराबर एक का गुणा वाई के साथ किया वाई माइनस एक, क्योंकि एक्स और वाई का मान ले लेंगे इसलिए एक्स ये प्लस का मान घट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर की अगर कमान चेंज नहीं हुई है तो प्लस का मान घर आएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, समीकरण नंबर एक। अब आगे प्रश्न पुनः करता है, यदि हर में एक जोड़ दे तो एक बटे दो हो जाती है। द्वितीय प्रश्नानुसार यदि हर में एक को जोड़ दे एक बटे दो हो जाती है, इसका भी नियम का करते हैं, दो का गुना यक्ष के साथ एक का गुना वाई प्लस एक के साथ, इसका इसका गुना किया दो एक्स बराबर वाई प्लस एक, वाई प्लस एक अनुष्ठान को घर चले गए, दो एक्स जो प्लस हमारी घर जाए तो माइनस बराबर एक, ये समीकरण नंबर 12 दूसरा गुना। समीकरण एक बार समीकरण नंबर दो से समीकरण नंबर एक हमारा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, दूसरा समीकरण दो एक्स माइनस
वाई बराबर के, ये मान हमारा, ये मान हमारा माइनस का हो जाएगा, ये मान हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, जिसमें ये मान हमारा कट जाएगा। अब इस मान में घटाएंगे तो माइनस का एक्स बराबर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, मान को जोड़ेंगे तो माइनस का तीन, एक्स बराबर हमारा तीन आ गया। अब एक्स के इस मान को समीकरण नंबर एक में रख देंगे, एक्स के इस मान को समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण नंबर एक हमारा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, एक्स का मान तीन आ गया, माइनस वाई बराबर माइनस दो। अब क्योंकि ये मान नहीं चलने पर ऋण का वाई बराबर दो है, ये ऋण का मान इधर जाके प्लस हो, प्लस का मान इधर जाके माइनस हो जाएगा, ऋण का वाई बराबर ऋण का तीन, तो पांच के दिन में प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस कर गए, वाई का मान पांच आ गया। उत्तर लिखेंगे इसका, आता है एक्स बराबर तीन वाई बराबर पांच, यही इसका उत्तर होगा। बता रहा हूँ।